हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और एक बार मैं आप लोगों का फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन जो रहते हैं और उनके आंसर्स उन्हीं के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कुछ 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। बेसिक क्वेश्चन जो हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बात करें हम, अगर हम डेस्कटॉप सपोर्ट या L1 हार्डवेयर इंजीनियर के फ्रेशर हैं, अगर हम फ्रेशर हैं और IT में जॉब के लिए जाते हैं, तो हमसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरा चैनल है यूट्यूब, वो CGNR MCERTP के वीडियोस पे बेस्ड रहता है बेसिकली। तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको वीडियोस अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो गाइस, इन दिस वीडियो में मैंने क्या है, ट्रबल शूटिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि ये एरर है तो हम इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ये इस तरीके का मेरे को दिक्कत आ रहा है तो इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ट्रबल शूटिंग पेरीफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो हम कहें तो जो एक्सटर्नल या फिर हम जिनको कनेक्ट करते हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या है, ट्रबल शूटिंग पेरिफेरल कंपोनेंट में, ये लेसन 4 है, तो इसमें मैंने 4 टाइप की डिवाइसेस ली हैं। पहला डिस्प्ले डिवाइस, उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं, उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो किस तरीके के एरर आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो इसमें डिस्कस करूँगा। इनपुट डिवाइस, फिर अडेप्टेड कार्ड और फिर मल्टीमीडिया डिवाइसेस, तो इनमें क्या एरर आते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, तो वो मैं एक एक करके इन वीडियो में आप लोगों के साथ में जो फर्दर वीडियो है डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में तो बेसिकली ट्रबल शूटिंग डिस्प्ले डिवाइसेस रहेगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा ट्रबल शूटिंग इनपुट डिवाइसेस, और जो थर्ड वीडियो रहेगा वो ट्रबल शूटिंग अडेप्टर कार्ड एंड मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप जस्ट YouTube.com पे जाइए और आप मेरा नाम भी टाइप करेंगे, नारायण बघेल, NARAYNBAGHEL, तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ये मेरा चैनल है, अभी तक मैंने 281 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप देखें तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं क्वेश्चन आंसर को लेके। तो गाइज, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, आई मीन इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन डिस्प्ले डिवाइस इश्यूज होते हैं, उनको इस तरफ मैंने ऐसे सिम्टम करके लिया है, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। इस तरफ मैंने पॉसिबल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो देखेंगे हम एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले डिवाइस की बात कर रहे हैं इशू की, तो वहाँ पे क्या हो सकता है सिम्टम, मॉनिटर इज डार्क और पावर इंडिकेटर लाइट इज़ नॉट लिट। तो अब मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को यूज़र कह रहा है कि भैया मेरे मॉनिटर पे पूरा डार्क है और उसका जो पावर लाइट है वो भी ऑन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या रीज़न हो सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, ये इस सिचुएशन है, तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका सॉल्यूशन कैसे क्या है, आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, दिस इंडिकेट्स जनरल पावर प्रॉब्लम, तो बेसिकली ये पावर प्रॉब्लम हुआ, हमको पता चलना चाहिए भाई ये पावर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं जल रही, ठीक है। सच एज द पावर इज़ नॉट टर्न ऑन, तो पावर ऑन नहीं हुआ है, हमने खुद मॉनिटर से पावर की बटन ऑन नहीं किया है, या फिर पावर केबल इज़ डिसकनेक्टेड, दो रीज़न हो गए, और द पावर इज़ ऑन बट द मॉनिटर प्लग्ड इनटू अ पावर स्ट्रिप और सर्ज प्रोटेक्टर। मतलब अभी कहने का मतलब क्या है, पावर ऑन है बट क्या है, हमने जो हमारी जो पावर की केबल लगा के रखी है, चाहे वो UPS पे हो, चाहे हमारा कुछ बॉल पे हो, जहाँ से भी उसको पावर सप्लाई है, वही ऑन नहीं है, दैट इज़ नॉट टर्न ऑन, वही बंद पड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। टू करेक्ट द प्रॉब्लम, अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो अब सिंपल सा हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं। टू करेक्ट द प्रॉब्लम, टर्न ऑन द पावर ऑफ और पावर स्ट्रिप एंड रिकनेक्ट द केबल्स एंड कोड्स। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जहाँ पे हमारा पावर हमको मिल रहा है, चाहे वो UPS हो, चाहे वॉल पे, या जहाँ से भी पावर आ रहा है उससे हमारी केबल प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, और वहाँ पे भी पावर है कि नहीं। इफ़ अ सर्किट ब्रेकर हैज़ ट्रिप्ड, रिसेट इट और प्रेस और
जिगल द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। तो अभी हमने केबल देख लिया हमारे पास, जहाँ से हमको पावर मिल रहा है उसको हमने लगा लिया कि भाई यानी इंश्योर कर लिया यहाँ पे पावर है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हमारे पास बटन होती है पावर बटन, फिर से उसको हम एक बार प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, अ फ्यूज़ इन द मॉनिटर में हैव ब्लोन। तो इसमें एक फ्यूज़ भी होता है मॉनिटर के अंदर, उसको वो भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा हमारा जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो करने के बाद में भी नहीं हो रहा है, तो हमको फ्यूज़ पे जो फ्यूज़ होता है अंदर होता है, तो उसके लिए हमको सिस्टम को ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओपन मॉनिटर टू चेंज अ फ्यूज़, सेंड द मॉनिटर आउट फॉर रिपेयर और रिप्लेस इट। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, ये हमको नहीं करना चाहिए। तो बेसिक है, बस पावर देख लिया हमने, केबल देख लिए सब कुछ कनेक्टेड है कि नहीं, इतना ट्रबल शूटिंग हमको करना चाहिए। उसी तरीके से अब इसमें क्या है, दूसरा इशू आ रहा है, नो इमेज, इमेज ही नहीं आ रही है। फिर से देखेंगे, इफ़ देर इज़ नो पावर लाइट चेक फॉर द करेक्ट पावर प्रॉब्लम। तो देखेंगे कि अभी हम यहाँ पे फिर से पावर का तो प्रॉब्लम नहीं है, द डेटा केबल वीजीए प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, ये डिसकनेक्ट हो सकती है, उस कंडीशन में भी हमको कोई इमेज नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट ऑन वेरी ओल्ड मोनिटर यू विल सी, क्या होता है, कुछ पुराने मोनिटर को छोड़ के हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, जैसे ओएसडी मैसेज दिखाई देता है हमको, उसको ओएसडी मैसेज बोलते हैं। कुछ पुराने मॉनिटर को छोड़ के इंडिकेटिंग अ सिग्नल प्रॉब्लम। तो उसमें क्या है, नो सिग्नल, नो सिग्नल करके हमको एरर आता है, आई मीन मैसेज दिखाई देता है। कनेक्ट और रीसेट द केबल एंड कनेक्टर्स। तो उस कंडीशन में क्या है, हमको फिर से केबल और कनेक्टर को देखना होता है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। इफ़ द केबल इज़ डिसकनेक्टेड एंड यू डू नॉट सी एन ओ एस डी मैसेज, द मॉनिटर इज़ बैड। अगर हमारी केबल कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, केबल डिसकनेक्टेड है और उसके बाद में हमको ये मैसेज नहीं दिखाता ओ एस डी, इसका मतलब क्या है, वो हमारा मॉनिटर ख़राब मॉनिटर है। उसके बाद में देखेंगे हम कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में भी एडजस्टेड इन प्रॉपरली, जो हमारा ब्राइटनेस होता है और कॉन्ट्रास्ट होता है वो तो गड़बड़ नहीं है, उसको देखेंगे। एडजस्ट द सेटिंग यूजिंग मॉनिटर कंट्रोल्स। तो हमारे पास जो ऑटो ऑटो एडजस्ट का भी एक ऑप्शन होता है, या फिर उसमें हमारे पास और सेटिंग होती है, उसमें हम ब्राइटनेस को और कॉन्ट्रास्ट को ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं कम ज़्यादा। अभी क्या है, द मॉनिटर मे बी इन पावर सेविंग मोड, मॉनिटर हमारा जो है वो पावर सेविंग मोड में भी हो सकता है। पावर लाइट विल टिपिकली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू सॉलिड ब्लिंकिंग एम्बर। उस कंडीशन में क्या है, ये ग्रीन से सॉलिड और ब्लिंकिंग एम्बर हो जाती है प्रेस, यानी कि अभी उसको हमारे पावर सेविंग मोड से बाहर लाने के लिए हमको क्या है, कोई की प्रेस करनी पड़ती है, या तो फिर क्या कहते हैं, माउस को हम उस पर मूव करेंगे। तो उस तरीके से हमको क्या है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, डिस्प्ले डिवाइस में एक और एरर आता है हमको, फ्लिकरिंग और डिस्टोरेशन। तो ये क्यों होता है, द मॉनिटर केबल में नॉट बी सिक्योरली कनेक्टेड टू द वीडियो पोर्ट और देयर आर वेंट और ब्रोकन पिंस। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हमको डिस्टॉर्शन हो रहा है या फिर फ्लिकरिंग हो रही है, बराबर से यहाँ पे इमेज नहीं, आई मीन डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारी वीजीए केबल है उसकी पिन ब्रोकन हो सकती है, बेंड हो सकती है, मुड़ी हुई हो सकती है। तो उनको क्या है, फिर से हम उनको सीधा करके एक बार फिर से उस केबल को निकाल के लगा के देख सकते हैं, तो अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो केबल चेंज करेंगे। यूज कॉशन, तो यहाँ पे क्या है, हमको जो मुड़ी हुई पिन है उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर करना होता है, और क्योंकि अगर हम उनको ठीक कर रहे हैं और वो टूट गई तो फिर वो केबल ही ख़राब हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, इनकरेक्ट डिस्प्ले अडेप्टर एंड मॉनिटर डिवाइस ड्राइवर मे बी इन यूज़। इसकी जगह में क्या, हमने प्रॉपरली जो प्रॉपर हमारे पास बीजीए ड्राइवर का है या फिर ग्राफिक ड्राइवर का है वो इंस्टॉल नहीं किया है, वो दूसरा कोई इंस्टॉल कर दिया है, तो वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। थ्रू द डिवाइस मैनेजर, हम इसको क्या है, डिवाइस मैनेजर के थ्रू विद द हेल्प हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई दैट द करेक्ट डिस्प्ले अडाप्टर एंड मॉनिटर डिवाइस ड्राइवर। तो ये हमको डिवाइस मैनेजर से हम इसको चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश में रेट मे बी टू लो और टू हाई, तो जो रिफ्रेश रेट होती है हमारी वो भी टू लो और टू हाई हो सकती है। फॉर व्यूअर कम्फर्ट सेट द रिफ्रेश रेट एज हाई एज सपोर्टेड बाय द मॉनिटर एंड अडाप्टर कार्ड्स टू नो बट नो हायर। तो मतलब जितना हमको यहाँ पे क्या है, जो यूज़र कंफर्टेबल है उतने रेंज पे उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसका ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए।
ये सारे हमारी क्या है, ये प्रॉब्लम्स है। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया कि मॉनिटर टर्न्स इट सेल्फ ऑफ, वो खुद ब खुद हमारे पास में अब मॉनिटर जो है वो ऑफ हो रहा है। अभी इसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे? पावर मैनेजमेंट इज इनेबल्ड, ठीक है, शायद उसमें पावर मैनेजमेंट इनेबल हो। यू कैन एडजस्ट दिस ईदर इन सीमो सेटिंग और इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, हम इसको शायद ये हम इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। शायद ये इनेबल हो इस वजह से वो क्या कहते हैं टर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके का है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन में जाएंगे, शायद मिल जाएगा। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडाप्टर, मैं शायद दूसरी जगह पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम यहाँ से पावर की बात हो रही तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। कंट्रोल पैनल पे जाके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पावर का ऑप्शन होगा, ये पावर ऑप्शन। तो शायद हमने यहाँ पे कोई पावर सेविंग ऑप्शन लगा के रखा है, कॉन्फ़िगर करके रखा है कि कितनी देर में हमको ये मॉनिटर डिस्प्ले हो जाएगा और क्या होना है क्या नहीं होना है करके। यहाँ पे ये देखिए, तो इस तरीके से हमको ऑप्शन रहते हैं कितनी देर में। तो ये सेटिंग भी इनेबल हो सकती है, तो इसको हमको देखना होगा। अब दूसरा इसमें क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है। तो इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक मतलब क्या हो रहा है, कोई एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं, मेरे को यूज़र बोल रहा है कि भाई मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, उस कंडीशन में मुझे ये क्या कहते हैं जो आपका मॉनिटर है वो गोस ब्लैंक ब्लैंक चला जा रहा है, फ्लिकर हो रहा है और कुछ एक्ट इरेटिक व्हेन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज एक्टिव। अगर मैं उस कंडीशन में मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है सिंपल सा मॉनिटर पे, द एप्लीकेशन में रिक्वायर डिफरेंट कलर क्वालिटी। तो उस कंडीशन में क्या हमको शायद उस एप्लीकेशन को कुछ दूसरा कलर क्वालिटी चाहिए और कुछ दूसरा उसको रेजोल्यूशन चाहिए, तो हम ये वहाँ पे एडजस्ट करके देख सकते हैं। उसी तरीके से क्या है, डिस्प्ले इज ऑल वाइट, पूरा का पूरा जो मेरा डिस्प्ले है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को पूरा वाइट दिख रहा है। दिस अनयूजुअल स्टेट कुड बी ड्यू टू मल्टीपल वेंट और ब्रोकन पिन। तो हमको क्या है, ये किस कंडीशन में हो सकता है, जो हमारी वीजीए केबल है उसकी पिन है वो ब्रोकन हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। बेसिक चीज़ें थी, बेसिक ट्रबल शूटिंग हमको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए करते होना चाहिए, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में ऐसे ही पूछते हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये प्रॉब्लम बताओ कैसे रिजोल्व करोगे। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों से इनपुट डिवाइसेस और अडेप्टर कार्ड, मल्टीमीडिया पे जो एरर आते हैं, इशू आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। टिल देन।